भोपाल में संयुक्त किसान मोर्चा ने शाहजानी पार्क में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए किसानों की मांग पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगाया। किसान एकजुट होकर राजभवन तक पैदल मार्च करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया। इस दौरान किसान मोर्चा ने युवा रोजगार गारंटी नियम को लागू करने की मांग की। संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा आज पूरे देश में आह्वान किया गया है, तो संविधान दिवस के अवसर पर हम पूरे देश के अंदर राजभवनों के अंदर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि जो 380 दिन का किसानों का आंदोलन चला, जिसमें 715 किसान शहीद हुए थे, अभी स्थिति यह है इस मध्य प्रदेश के अंदर कि प्याज और लहसुन 1 रुपये किलो और पत्ता गोभी में जिस मुलताई से आता हूँ उसके अंदर 30 पैसे किलो व्यापारी खरीद रहे हैं। 50 ट्रक गोभी मेरे यहाँ मुलताई में बिरुल बाज़ार क्षेत्र में निकलती है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे केरल के अंदर सब्जी भी MSP में खरीदी जाती है, उस तरीके से खरीदी जाए, किसानों की कर्जा मुक्ति हो और किसानों को 5,000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिले। और यहाँ पर छिंदवाड़ा से पेच व्यवर्धन परियोजना के जो विस्थापित किसान हैं वो आए हैं और वो ये चाहते हैं कि पुनर्वास नीति जो 2002 की थी उसके तहत उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन दिया जाए और सरदार सरोवर की तर्ज के ऊपर 65 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर उन्हें मुआवजा देने का कार्य किया जाए।